नमस्कार दोस्तों, इंडिया बायोडॉक्टर शॉप में स्वागत है। आज मीड 102 इन्फिनिटी मॉडल, इसका अनबॉक्सिंग सेटअप, यूज, इससे क्या नजर आता है और क्या क्या यूज में आ सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना, निकॉन के बायोनॉक्लर्स के ऊपर रेट बढ़ गए हैं। 15% के करीब कंपनी ने रेट बढ़ा दिए हैं, तो अगर आपको लेने हो तो आप ऑर्डर अभी लगा सकते हैं, नहीं तो बाद में ये 15% रेट इसके बढ़े हुए हैं तो उन रेटों पे माल आएगा। तो अभी जिनके पास भी स्टॉक है आप उनसे ले सकते हैं, बाद में फिर ये 15% बढ़ जाएंगे। इस तरह से ये बॉक्स में आता है और अगर बॉक्स हटा दें तो इसका जो क्या क्या सामान है उस पर नजर मार लेते हैं। ये स्टील का इस तरह से स्टैंड है, पैन हैंडल का, ऑप्टिकल ट्यूब है, एक्सेसरी ट्रे है, स्लो मोशन केबल्स है इसके साथ। एज ए पैकेज हम समझ सकते हैं कि पूरा कंप्लीट हो। तो मोबाइल फोन अडेप्टर कंपनी साथ में देती नहीं, लेकिन हमने इंक्लूड किया हुआ है। मून फिल्टर है इसके साथ और एक बैग भी है, इस तरीके से ताकि आप इसमें रख के ले जा सकें। और आईपीस कौन से हैं उस पर नजर मार लेते हैं। सबसे पहले जो इसका वाइड एंगल वाला है वो 26mm आईपीस है, उसके बाद ये 9mm का है, ये सारे केलनर आईपीस है, फिर 6.3mm का आईपीस है इस तरीके से, और ये चौथा आईपीस 4mm। तो ये कुछ कुछ मॉडल्स में आता है, इसकी वैल्यू कम से कम 2000 रुपए के आसपास है। तो ये 4mm आईपीस एक्स्ट्रा इसके साथ है, जो और मॉडल्स में और लोगों के पास आपको नहीं मिलेगा। 2x पार्लो है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह है, और जो डायगनल इसका है इस तरीके से वो 90 डिग्री का है, जो इरेक्ट इमेज देता है, तो डे टाइम टेरेस्ट्रियल वॉच के लिए भी यूज हो सकता है। प्लस एक फाइंडर स्कोप है बढ़िया क्वालिटी का। तो आइए इसका असेंबली का वीडियो आप देखते हैं। तो ये वीडियो देख के आप 2-3 मिनट में नेक्स्ट टाइम सेटअप कर लेंगे। तो एक बार नजर मार लेते हैं, ये जैसे आपने टारगेट किया तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये आपका हॉरिजॉन्टल या अजीमुथ मूवमेंट के लिए, और जो दूसरी नॉब है इस तरफ, ये तो आपका अजीमुथ लॉकिंग नॉब थी, लेकिन ये वाली जो है आपकी वर्टिकल मूवमेंट के लिए है। एक बार नजर मार लेते हैं कि टेलीस्कोप मैक्सिमम कितना चला जाता है। तो ये आपका इस माउंट में पूरा 90 डिग्री आपका चला जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेट है। नॉर्मली अल्टाजिमुथ माउंट पे इतना ऊपर जाते ही नहीं है 90 डिग्री तक, जैसे एस्ट्रोमास्टर 70 पूरा ऊपर तक नहीं जाता, लेकिन इसमें ये है कि आप ऊपर तक जा सकता है। साथ में क्या क्या है, इस तरह से ये बार्लो वगैरह है। जब आपने 26mm से मून, सैटर्न, जुपिटर या कोई प्लैनेट पकड़ लिया, तो आप उसके बाद जो है दूसरा आईपीएस लगाइए पावर का, ये 9mm, तो 9mm जो है वो 63-64x पावर आपको देता है। इसको निकाल के यहां लगाइए और दोबारा फोकस कीजिए, और 65x के बाद भी आप पावर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप है 225-200x पावर तक केपेबल है। उसके बाद फिर आपने यूज करना है 6.3mm, तो फोकल लेंथ है 600/6.3, करीब 95x पावर आती है। फिर वो उससे आपने फोकस कर लिया, देख लिया, लेकिन आप ऑब्जेक्ट और भी पास ला सकते हैं। फिर आप क्या करिए, आप ये जो 4mm एक्स्ट्रा आईपीस आया है इस मॉडल के साथ, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो 150x पावर मिलेगी, 600/150। तो ये 62 डिग्री का वाइड फील्ड ऑफ व्यू आईपीस है जो इसके साथ है, करीब 2000-2500 का मिलता है ये मीड का। 2x बार्लो भी है, 2x बार्लो आप 6.3mm आईपीस के साथ यूज कर सकते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम करीब 195x के आसपास पावर देगा।
तो प्लैनेट्स और डीप स्काई दोनों पे बहुत अच्छा है, टेरेस्ट्रियल वॉच के लिए बहुत बढ़िया है। इस पे मोबाइल कैमरा कैसे लगेगा और बैग में ये कैसा लगेगा और इसके साथ जो मून फिल्टर आ रहा है वो कैसे लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले ये मून फिल्टर आपका इस तरह से फिट हो जाएगा, तो आपने अगर मून देखना है जिसका ग्लो बहुत ज्यादा है तो आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ करके लगा के और फोकस कर सकते हैं। किसी भी आईपीएस के नीचे थ्रेडिंग होती है स्टैंडर्ड, उसमें ये मून फिल्टर लग जाएगा। मोबाइल फोन लगा सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसकी और इसकी आईपीस की अलाइनमेंट करनी जरूरी है। इसके अलाइनमेंट के स्क्रूज ये हैं, ये वाले, तो जो इसका सेंटर है किसी भी बैनर या बोर्ड में वही सेंटर इसमें आना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ से आप एडजस्ट करके सेंटर में ला सकते हैं डे टाइम में, उससे आपको हेल्प मिलती है नाइट में ऑब्जेक्ट फाइंड करने में। अब ये मोबाइल अगर आपके पास है और आपने फोटो निकालनी है, चाहे इस तरह से, तो ये आगे का आप देख रहे हैं मल्टी कोटेड लेंस है, एक्रोमेट लेंस है मीड का। तो ये इसका असेंबली का वीडियो है, इससे फोटोज कैसी आती हैं उसको देख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।